अब चलते हैं हंगू की तरफ। हंगू से हमारे नुमाइंदे खान जमान और कजे की इस रिपोर्ट के मुताबिक हंगू शोबा ज़रात हंगू हकाइक के बरक्स इंतजाम और प्रोग्राम के शुरका और हुकूमत की आंखों में धूल झोंक कर हंगू मीडिया के नुमाइंदों की बजाय हकाइक से लाइलम बाहिर से नाम नहाद सहाफे को प्रोग्राम में मदु किया गया। इस मौके पर ज़रात ऑफिसर ने वजाहत पर कहा कि हमने मुकामी मीडिया को मतलब करने की जिम्मेदारी क्लास 4 के सुपुर्द की गई थी। महकमा ज़रात ऑफिस हंगू में केपी के जरिए एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत एक आगाही प्रोग्राम जिसमें डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ज़रात हंगू शाकरुल्ला खान मरवत, एडीसी फहीद वजीर इंचार्ज एमएफडीसी कामरान अल्लाह खटक और दीगर शुरका ने प्रोग्राम में फार्म सर्विसेज और किसान कार्ड और प्रोजेक्ट के अगराज व मकासद पर मुनाकिद की गई। एक तरफ जहां महकमे ज़रात के प्लेटफॉर्म से किसानों या जिम्मेदारों के हकूक को मुकम्मल पामाल करके ना कोई सहूलत या मराहत फराहम की जाती हैं और ना ही हंगू जिला भर में कभी खतर को ज़रई इकदाम दिखाई देते हैं। ताहम महकमा ज़रात हंगू ने अपनी कोताहियों और हकाइक पर पर्दा डालने के लिए हुकूमत और शुरका की नज़र में धूल झोंकने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुकामी हंगू के मीडिया को प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए हकाइक से लाइलम रखने वाले लोकल मीडिया को नज़रअंदाज करके बाहर नाम नहाद मनपसंद सहाफे को बुलाकर नाकाम कोशिश की। इधर हकाइक मीडिया के नुमाइंदों ने शोबा ज़रात की इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हुए सेक्रेटरी ज़रात के पी के और सूबाई हुकूमत से इंक्वायरी कराने और नाम नहाद सरगर्मी की तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं कसूर से। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर में स्मॉग एलर्जी की रोकथाम के सिलसिला में आगाही वॉक का अहतमाम। हर शहरी को स्मॉग एलर्जी जैसी खतरनाक मर्ज के बारे में इल्म होना जरूरी है। MSDHQ अस्पताल कसूर एलर्जी एक मौजी मर्ज है जो हर आए दिन पाकिस्तान के शहरों में एक वबा की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। एलर्जी जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए अपने वसाइल में रहते हुए तमाम इकदाम उठा रही हैं और मुतालिका महकमा से शहरों की हिफाजत और इलाज के लिए हर मुमकिन मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन ख्याल का इजहार डॉक्टर लईक अहमद चौधरी MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर ने एलर्जी से गाही वाक के मौका पर KDMS अब्दुल हफीज मेमन, डॉक्टर शहबाब बुद्दीन, डॉक्टर मौज़ अहमद, डॉक्टर हाफिज अली अयूब, डॉक्टर गुलनाज और मुख्तलिफ शोबाजा से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने स्मॉग एलर्जी वॉक में शिरकत की। रोकथाम पर एलर्जी फ्री पाकिस्तान के अलामती तौर पर गुब्बारे और कबूतर फिजा में छोड़े गए। स्मॉग एलर्जी वॉक का अहतमाम मरूफ कंपनी वेरिक फार्मा स्योटेकल की तरफ से किया गया जिसमें सिविल सोसाइटी, ताजर बिरादरी, समाजी शख्सियात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अहमद से। जी मोहम्मद अहमद बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHQ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पर स्मोक एलर्जी के हवाले से वाक हो रही है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं MS डॉक्टर लईक अहमद चौधरी साहब। मैं इनसे पूछता हूँ कि स्मोक एलर्जी के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। जी सलाम अलैकुम। जैसे कि आपको पता है एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, उसमें स्मोक और इसके साथ अब तो फॉग भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये हमें डेली बेसिस पे नॉर्मल जो ह्यूमन लाइफ है उसको इफेक्ट कर रही है। हमें ये है कि हमें आइस की बड़ी इरिटेशन होती है और आपको पता है रोड साइड एक्सीडेंट बहुत है, तो इसलिए जो भी हमारे लोग हैं उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि अनड्यू ट्रैवलिंग से बचें और अपने आप को एक्सपोज ना करें और अपने बच्चों को भी अगर आपने ट्रैवल करना है तो अच्छी व्हीकल में ट्रैवल करें और गोबर या प्लास्टिक करें। जी हफीजुल्ला मेमन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये भी सीनियर डॉक्टर हैं, ये इनसे पूछिए। DIG ऑपरेशंस की हदायत पर कुमार बाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, मुगलपुरा पुलिस की कार्रवाई, दो जुवारिये गिरफ्तार, मुलजिमान को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, मुलजिमान से जुए पर लगी रकम और डिवाइसेस बरामद, तर्जुमान सिविल लाइन डिवीजन, मुलजिमान में हसन रजा और मोहम्मद इरफान शामिल, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले SHO मुगलपुरा मुदस्सर खान, कुमार बाजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है SP सिविल लाइन अवैस शफीक।